एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वह बड़े मैं घटूं एक वचन है। ये प्रभु यीशु मसीह के पहले आने वाले व्यक्ति ने कहा था। उसने कहा अवश्य है कि वह बड़े मैं घटूं। वो ये नहीं कहता है अवश्य है कि यीशु बड़े और यहुन्ना घटे। वो कहता है वह बड़े मैं घटूं। जानते हैं मैं घटूं का अर्थ क्या है? पौलुस कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, कैपिटल आई है, आप चेक करना वहां पर। इट्स नॉट अ स्मॉल अल्फाबेट, वहां कैपिटल आई है, बड़ा आई। वो कहता है आई क्रूसीफाई। आप जानते हैं आई क्या है? मैं थोड़ा आपको आज 5 मिनट इस पे बात करना चाहता हूं कि क्या है मैं घटूं वह बड़े। और पौलुस कहता है एक जगह पे कि मैं क्रूस पे चढ़ा हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, मसीह उन लोगों में ही जीवित रह सकता है जिनका मैं क्रूस पे चढ़ाया गया है। हमारे अंदर एक जिंदगी है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ लाइफ। और ये जिंदगी जो हमारे अंदर है, ये हमें परमेश्वर की तरफ से नहीं मिली है, ये हमें आदम के यहां से मिली है। और आप देखते हैं इस जिंदगी के अंदर सिर्फ एक स्वार्थ है कि कैसे मैं और पैसे कमाऊं, कैसे मैं झूठ बोल के पैसे कमाऊं, कैसे मेरी इज्जत बहुत बढ़े, कैसे मैं मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोए हुए रहते हैं पर जब एक गवाही देता है एक भाई के मैं बढ़ रहा हूं तो उसके साथ हम भी बढ़ना चालू कर दें। डू यू नो, समझो किसी ने गवाही दी मैं भी बढ़ रहा हूं प्रभु में, तो हमको भी लगता है। डू यू नो ये क्या है? ये सेल्फ है, ये आप नहीं है एक्चुअली, ये सेल्फ है, ये आपका वो स्वयं का जीवन है जो आपने आदम से लिया है। याद रखिएगा इस जीवन को, ये जीवन एक स्वार्थी जीवन है, इसीलिए पौलुस कहता है मैं क्रूस पे चढ़ चुका है। इसका मतलब क्या है? पौलुस बता रहा था कि मेरा एक स्वभाव था प्रभु में आने से पहले और वो स्वभाव मैंने इंप्रूव नहीं किया है। बोलता है मैंने उसको बनाया नहीं है, वो बोलता है मैंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया है। कैसे क्रूस पे चढ़ता है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बताइए यीशु मसीह के क्रूस पे मरने की योजना कहां बनी थी? यीशु क्रूस पे मरेगा ये योजना कहां बनी थी? यस यू आर राइट। लिखा है यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ है। इंग्लिश में बहुत सुपर्ब लिखा है, ही इज द वन हु स्लेन बिफोर द वर्ल्ड वॉज मेड। इससे पहले के जगत बने उससे पहले वो मरा है। कहां मरा? सबसे पहले वो खुदा के हृदय में मरा, उसके बाद वो परमेश्वर ने प्रनाउंस करना चालू कर दिया कि वो आएगा। याद रखिएगा यीशु मसीह मरेगा ये योजना स्वर्ग में पूरी, स्वर्ग में बनी थी। और जानते हैं ये पूरी कैसे हुई? मनुष्यों के द्वारा। उन दिनों में रोमी सरकार ने उसे पकड़ा और उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। याद रखिएगा यहां पर जो वचन लिखा गया है कि वो जो मैं वाला स्वभाव है वो मरना चाहिए, ये स्वर्ग में तय हुआ है कि हर इंसान को मैं में मरना चाहिए। लेकिन ये पूरा पृथ्वी पे तब होता है जब आप ऐसे लोगों के डीलिंग्स में आते हैं, आप ऐसे लोगों के टच में आते हैं जो आपसे सही व्यवहार नहीं करते। याद रखिएगा जो आपसे बुरा चलते हैं, बहुत सारे लोगों को आपको पता है ना मुंह पे आंसर देने की आदत होती है, अगर आप उनको कुछ भी बोलो ना आंसर रेडी रहता है। आप उनको बोलो ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसलिए ऐसा है ये, आप दूसरा बात करोगे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को माना तो है लेकिन इन्होंने यीशु के क्रूस उठाने का इनकार किया है। मैं हमेशा जानता हूं कि जो लोग मुंह पे आंसर देते हैं ना, साइलेंट खड़े रहने की उनको आदत नहीं है। सोचो सर्वशक्तिमान का बेटा था वो, फिर भी पिलातुस उसे कुछ भी बोल रहा था वो चुपचाप खड़ा था। बपतिस्मा लेने के लिए गया, कोई अपराध नहीं किया था उसने, उसके बाद भी वो बपतिस्मा ले रहा था क्योंकि पिता ने उसे कहा। कई बार लोगों ने उसे गालियां दी, बुरा भला कहा। मैंने देखा है वे लोग जिनको कुछ कहा जाता है और वापस आंसर करते हैं वो लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो किया है पर वो उसके क्रूस को नहीं उठाते।
इसलिए पौलुस कहता है तुम में से कुछ ऐसे हैं जो क्रूस के बैरी हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूस के बैरी? इंग्लिश में लिखा गया है एनिमीज ऑफ द क्रॉस। कौन से क्रूस के बैरी हैं वो? अरे ये वो क्रूस नहीं है जिसपे यीशु लटकाया गया, ये वो क्रूस है जो उठाने के लिए कहा गया। इसलिए बोलता है वो उस क्रूस से नफरत करते हैं जो क्रूस उन्हें उठाने के लिए कहा गया। मैं आपको सच कहता हूं, आजकल बहुत ही अलग हो गई है मसीहत। यीशु ने कहा ब्रिंग द क्रॉस एंड दे आर वेयरिंग द क्रॉस। यीशु ने कहा क्रूस उठाओ, क्रूस पहनो नहीं। बहुत सारे लोग क्रूस पहन के चलते हैं। अरे यीशु ने कहा लिखा है भाई क्रूस पहन के चलो? मैं एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहा था, एक भाई मुझे मिले, मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था। उन्होंने बोला आप मसीह हो? मैंने कहा हाँ मैं मसीह हूं। तो बोला आपका क्रॉस कहाँ है? तो मैंने कहा कहाँ लिखा है भाई क्रॉस पहनना है? इसे लिखा तो नहीं है लेकिन हमारी पहचान है ना। मैंने कहा ये क्रॉस पहन के जब तू लड़ाई झगड़े करता है तो किसका नाम खराब होता है? एक बार मैं रिक्शा वाले के यहां से आ रहा था। आकाश को मैंने बताई थी ये बात। मैं रिक्शा में बैठा, पूरा रिक्शा वचनों से भरा हुआ था, प्रकाशित वाक्य 3:20, यूहन्ना 14:6, और मस्त वो आदमी गाड़ी चला रहा था। डू यू नो जब उसे गाड़ी स्टार्ट की पूरे वचन, और उससे बोला साहब डेक लगा दूं क्या? तो लगा दे। जैसे चलाया आवारा हवा का झोंका हूं। मैंने बोला यार ये क्या? चल ठीक है चलने दे। उसके बाद उससे बोला साहब 2 मिनट रुको, पान टपरी भी गया, वहां से पूड़ी लेके आया, वहां से गोवा लेकर आया, पता नहीं क्या कोई विमल गुटखा था, विमल कमल जमल कोई था वहां पर, वो उसने डाला। और जब मैं मीटिंग में मैं नीचे उतरा, मैंने कहा भाई आप मसीह हो? बोला हाँ। तो मैंने बोला एक काम करोगे, तुमको गुटखा खाना है ना 5-6 और खाओ, कौन बोलता है मना करो? बाइबल लास्ट पेज में कहती है मनील बना रहने दो। मैंने कहा सिर्फ एक काम करो कि मुझे भाई समझते हो तो? बोला हाँ। मैंने कहा प्लीज ये वचन निकाल दो, उसके बाद जो करना है जाके करो, कोई इशू नहीं है, परमेश्वर खुद ही तुमसे बात करेगा। मैंने कहा कई बार मैं लोगों को बोलता हूं पुट द क्रिश्चियन नेम, तुम्हें बुराई करनी है ना तो ये नाम जो रखते हो ना एंथनी ये वो ये निकाल दो ना, फिर जो करना है करो, कौन मना करता है तुम्हें? एटलीस्ट तुम उसका नाम मत खराब करो। और उसने बोला साहब आप पास्टर हो? मैंने बोला नहीं भाई मैं पास्टर नहीं हूं, मैं आपकी तरह एक भाई हूं। पास्टर दुनिया कहती है पर मैं आपको भाई हूं, मैं आपको सजेशन देता हूं, आपको गुनाह करना है ना आप करो भले, मैं आपको मना नहीं करता हूं, आपका पास्टर ही आपसे सर फोड़ी करके थक गया होगा, आप मेरी कहां से सुनोगे? तो मैंने बोला काम कर दो खाली ये वचन निकाल दो। और वो शर्मिंदा हुआ। मेरे भाइयों और बहनों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक हमारे अंदर नेचर है इसे कहते हैं आई मैं, और जानते हैं वो मैं कैसे क्रूस पे चढ़ता है? जैसे यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा, उसे क्रूस पे चढ़ाया। ये जरूरी है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कोई तो ऐसा व्यक्ति रखता है जो आपके भीतर के मैं को क्रूस पे चढ़ाए, सच कहता हूं। और अगर आप उस आदमी का विरोध करते हो ना तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्रूस के बैरी हैं। You love the cross? No. Actually, the Bible says ये क्रूस के दुश्मन हैं, ये क्रूस उठाना पसंद नहीं करते। दिनेश और मेरे जिंदगी में ऐसी कई परीक्षाएं आई कि जब हमने ऐसा सुना, जब हमारी कोई गलती भी नहीं थी, और जानते हैं हुआ क्या? आप बिलीव करेंगे? सुना के वो लोग नाराज भी हो गए और माफिया भी हमने मांगी कि चलो छोड़ दो। कोई है और यहां पर कोई जिसका कोई मेरे साथ जिसका ऐसा हुआ है? कि आपको सुनाया गया, आपने गलत सुन भी लिया, उसके बाद माफी भी आपने मांगी क्योंकि आप संबंध को वैल्यू दे रहे थे, ईगो और एंगर को नहीं। मैं आपको सच कहता हूं उस भाई की और मेरे जिंदगी में न्यूमरस सिचुएशंस आई जब हम लोगों ने ऐसा सुना किसी आदमी से जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी और हमने उनसे खुद ही जाके माफी मांग ली। ठीक है भाई जो हो गया सो हो गया, लेकिन उस समय हम शांत रहे, खुदा ने हमें अनुग्रह दिया शांत रहने के लिए, नहीं तो हम भी। मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूं, उसके बाद मैं बहुत छोटे और इनकरेजिंग वर्ड में आऊंगा। एक बहन है, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, बहुत फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे वो प्रचार करती है, हम तो नेशनल में काम कर रहे हैं फिलहाल, इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर रही है। एक दिन उसके उसकी छोटी बेटी को
उसको ऐसा फील हुआ कि उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथिंग लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उसे। और जानते हैं, उसका बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को लेकर अस्पताल गया और उसने ना डॉक्टरों के अंदर थोड़ी भी काइंडनेस नहीं देखी। इन दीज डेज वे थोड़े काइंड हैं, लेकिन उन दिनों में बिल्कुल नहीं थे। काइंडनेस नहीं देखी, नम्रता नहीं देखी, सब लोग उनके साथ ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन ये दोनों एक अच्छी मां के बेटे थे और जानते हैं उन्होंने क्या किया, डॉक्टर के पास गए। बोला, डॉक्टर बहुत तकलीफ हो रही है मेरी बहन को, अब थोड़ा देख लेंगे। डॉक्टर ने उनको रुका दिया और ये बेचारी हांफ रही थी। आपको ये पता है कि अस्थमा के टाइम पे क्या प्रॉब्लम होती है, ये हांफ रही थी लेकिन ये पेशेंस रख के खड़ी थी। कोई बात नहीं, और 15 मिनट हो गए और आधे घंटे के बाद जब उन्हें अंदर लिया गया और उनका उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, 15 मिनट के अंदर जब उन्हें पंप दिया गया वो नॉर्मल हो गई। और उन्होंने, डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटा आप कौन? तो उन्होंने अपनी मम्मी का नाम लिया। बोलते, अच्छा तुम उसके बेटे हो, वाओ, सच में तुम्हारी मां के पास क्या फ्रूट्स हैं तुम दोनों के जैसे। पर सोचो अगर ये लोग वहां पर गालियां निकालते, अरे क्या कर रहा है, लेना हमको अंदर, इतना तकलीफ हो रहा है। और जब इनको अंदर लिया जाता और तब पूछा जाता आप कौन है, तो वो क्या बोलते, हम इसकी, आप उसके बेटे हो, लगते ही नहीं हो। डू यू नो बाइबल क्या कहती है, हर व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहता है वो मसीह की तरह आचरण भी रखे। सच कहता हूं, आपके छोटे छोटे बलिदान यीशु मसीह को क्या महिमा देते हैं, शायद ये आपको बात पता नहीं है। आपका थोड़ा चुप रहना, आपका थोड़ा एडजस्ट करना आपके घरों के अंदर माहौल को बदल देता है। थोड़ा चेंज हो जाना, थोड़ा सह लेना, थोड़ा शांत रहना, और आपको पता है कई बार हमारे वजह से हमारे घर का माहौल भी खराब होता है। हम अपने घर के अंदर झगड़ा करके दुष्ट आत्मा को न्योते देते हैं, आओ बैठो, जो बोलोगे हम वो करेंगे। डू यू नो, जब आप डिस्कस करना स्टार्ट करते हो ना, मैं बिलीव करता हूं उस टाइम पे दुष्ट आत्मा घर के बाहर खड़ी रहती है, क्योंकि घर के अंदर ब्लड लगा हुआ था। फिर आप, वो आपको बोलती है, सुनती नहीं है क्या तू? हाँ सुनती हूं ना, ये एक कदम अंदर। फिर वो आपको बोलती, तेरा दिमाग खराब है, तेरा भी दिमाग खराब है, लो दो कदम अंदर। और फिर बीच में लोग मस्त डांस पार्टी करते हैं, चलो ये लोगों ने हमको मंगाया है, अभी हम डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। और आप लड़ाई झगड़ा करते हो और वो लोग हुक्का पीते बैठ के। डू यू नो, इसीलिए बाइबल कहती है शैतान को अवसर न दो, वो हमेशा अवसर की ताक में रहता है। रीड इट, 4 अध्याय लिखा है इफिसियों में, शैतान को अवसर न दो। उसके बाद कुछ ऐसा लिखा गया है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। जब आप गंदी बात बोलते हो पवित्र आत्मा ग्रीव होता है, और जब आप गंदी बात बोलते हो डेविल इंजॉय करता है। एक ही चैप्टर में बताया गया है पौलुस ने कि जब तुम गंदी बातें बोलते हो, झगड़ा करते हो, बुरा भला कहते हो, तुम क्वाइल करते रहते हो, लिखा है दैट टाइम पवित्र आत्मा ग्रीव होता है और डेविल को चांस मिलता है। बोलने दो जिसको जो बोलना है, शांत हो जाओ। बाइबल कहती है प्रभु को क्रोध करने का अवसर दो। प्रभु का क्रोध ऐसा नहीं है कि वो जो आपको सुना रहा था उसकी टांग तोड़ेगा, प्रभु उसको रियलाइज करवाएगा एक दिन कि तू गलत कर रहा है। लिखा है ऐसा करके तुम उसके ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगा देते हो। हिंदी बाइबल इस वर्ड में इनकरेक्ट है, इंग्लिश में लिखा गया है अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम उनके ऊपर शर्म के अंगार डाल देते हो, कि वो तुम्हें बोल बोल के उन्होंने इतना बोला और आपने आंसर भी नहीं दिया और उनको खुद को शर्म आती है, यार मैं किससे लड़ रहा हूं, किससे फाइट कर रहा हूं। क्यों यीशु ने कहा एक गाल पे कोई चाटा मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दो, ताकि दूसरा मारने पर उनको शर्म आए, मैं मरे हुए आदमी को मार रहा हूं। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो ये गीत आप लोगों ने गाया, तू बड़े मैं घटूं, जब आप ऐसे गीत गाते हैं ना, इन बातों को याद रखिए कि खुदा आपको बहुत बार आपके अंदर आपको घटाने की कोशिश करता है, और उस समय परमेश्वर से कहिए प्रभु गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं घटूं। आमीन। क्या ब्रदर इतना सवेरे सवेरे धो देते हो, अरे ओके आइए हम सब वर्ड में आएंगे, अभी वर्ड में भी आओगे ब्रदर? ये क्या था? ये जस्ट एक काउंसलिंग थी जो मैंने आपको दी ताकि हमारे परिवारों के अंदर शांति हो, राइट? ब्लेस्ड आर द, बोलो पीस मेकर,
हाँ हिंदी में बहुत अलग है, इंग्लिश में बहुत मस्त लिखा है। हिंदी में लिखा है धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, इंग्लिश में लिखा है पीस मेकर्स, इसका मतलब हर चीज एडजस्ट कर लेते हैं सिर्फ एक बात की वजह से, घर में शांति चाहिए, पीस चाहिए घर में, इसलिए लिखा है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स नॉट ट्रबल मेकर्स। ठीक है, आइए मैं आपको एक आज बहुत ही सुंदर चीज मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपको स्पेशली गिल्ट में से, बहुत सारे लोग जैसे अपने आप को पसंद नहीं करते हैं दाऊद की तरह, उनका पाप हमेशा उनके सामने बना हुआ रहता है, आज मैं विशेष आपको एक होप देना चाहता हूं कि आप भले ही आज तक कैसा भी जीवन जी चुके हैं लेकिन आज से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आमीन। ओके,